आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो एक ऐसा भारतीय है जो खुलेआम पाकिस्तान को एक और मुंबई के बदले बलूचिस्तान छीन लेने की चेतावनी देने से गुरेज नहीं करता। एक ऐसा जासूस जो पाकिस्तान के लाहौर में 7 साल मुसलमान बनकर अपने देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहा। वे भारत के ऐसे एकमात्र नागरिक है जिन्हें शांति काल में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं केरल कैडर के 1968 बैच के आईपीएस अजीत डोभाल की, जो 1972 में भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी से जुड़े हुए थे। अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में गढ़वाली परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर के मिलिट्री स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वे आईपीएस की तैयारी में लग गए। आपको बता दें, कड़ी मेहनत के बल पर वे केरल कैडर से 1968 में आईपीएस के लिए चुन लिए गए थे। अगर हम इनके करियर के बारे में बात करें तो अजीत डोभाल 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के चीफ के पद से रिटायर हुए हैं। वे सक्रिय रूप से मिजोरम, पंजाब और कश्मीर में उग्रवाद विरोधी अभियानों में शामिल रहे हैं। अजीत कुमार डोभाल आईपीएस भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। वे 30 मई 2014 से इस पद पर हैं। आपको बता दें, डोभाल भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और इससे पहले शिव शंकर मेनन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। अगर हम बात करें आखिर अजीत डोभाल 7 साल तक पाकिस्तान में क्यों रहे थे, आपको बता दें अजीत डोभाल ने भारतीय सेना के एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान एक गुप्तचर की भूमिका निभाई थी और भारतीय सुरक्षा बलों के लिए महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई जिसकी मदद से सैन्य ऑपरेशन सफल हो सका। इस दौरान उनकी भूमिका एक ऐसे पाकिस्तानी जासूस की थी जिसने खालिस्तानियों का विश्वास जीत लिया था और उनकी तैयारियों के लिए जानकारी मुहैया कराई थी। जब 1999 में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC-814 को काठमांडू से हाईजैक कर लिया गया था, तब उन्हें भारत की ओर से मुख्य वार्ताकार बनाया गया था। बाद में इस फ्लाइट को कंधार ले जाया गया और यात्रियों को बंधक बना लिया गया था। कश्मीर में भी उन्होंने उल्लेखनीय काम किया था और उग्रवादी संगठनों में घुसपैठ कर ली थी। उन्होंने उग्रवादियों को भी शांति रक्षक बनाकर उग्रवाद की धारा को मोड़ दिया था। आपको बता दें, उन्होंने एक प्रमुख भारत विरोधी उग्रवादी कूका पारे को अपना सबसे बड़ा बेदिया बना लिया था। 80 के दशक में वे उत्तर पूर्व में भी सक्रिय रहे थे। उस समय लल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट ने हिंसा और अशांति फैला रखी थी, लेकिन जब डोभाल ने लल डेंगा के साथ में 6 कमांडरों का विश्वास जीत लिया था और इसका नतीजा ये हुआ था कि लल डेंगा को मजबूरी में भारत सरकार के साथ शांति विराम का विकल्प अपनाना पड़ा था। डोभाल ने वर्ष 1991 में खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट द्वारा अपहरण किए गए रोमानियाई राजनयिक लिवियो राडू को बचाने की सफल योजना बनाई थी। अगर हम बात करें कि आखिरकार पाकिस्तान उनसे इतना खौफ क्यों खाता है, तो आपको बता दें अजीत डोभाल कई ऐसे खतरनाक कारनामों को अंजाम दे चुके हैं जिन्हें सुनकर जेम्स बॉन्ड के भी किस्से फीके पड़ने लगते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर अजीत कुमार डोभाल से बड़े से बड़ी मंत्री भी सहमे रहते हैं। भारत सेना द्वारा म्यांमार में सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए अजीत डोभाल ने भारत के शत्रुओं को सीधा और साफ संदेश दे दिया है कि अब भारत आक्रामक सुरक्षात्मक रवैया अख्तियार कर चुका है। अब बात करेंगे अजीत डोभाल से जुड़ी कुछ खास बातों की। अजीत डोभाल ने पूर्वोत्तर भारत में सेना पर हुए हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाई और भारतीय सेना ने सीमा पार म्यांमार में कार्रवाई कर उग्रवादियों को मार गिराया। भारतीय सेना ने म्यांमार की सेना और NSCN खापलंग गुट के बागियों सहयोग से ऑपरेशन चलाया जिसमें करीब 30 उग्रवादी मारे गए थे। डोभाल ने पाकिस्तान और ब्रिटेन में राजनयिक जिम्मेदारियां भी संभाली और फिर करीब एक दशक तक खुफिया ब्यूरो की ऑपरेशन शाखा का लीड किया। आपको बता दें, वे विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक भी हैं। तो ये थी अजीत डोभाल से जुड़ी कुछ खास बातें। अगली बार फिर बताएंगे आपको किसी बड़ी हस्ती के बारे में। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल BHBC News। धन्यवाद।